नमस्कार, नेशन भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी अभी राज्यसभा के चुनाव के लिए 55 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होगा। जो सीटें सत्ता पक्ष यानी एनडीए के पास है, पांचों सीटों में बीजेपी से सीपी ठाकुर और आरके सिन्हा भी हैं और जदयू के तरफ से हरिवंश रामनाथ ठाकुर और कह कसा परवीन। लेकिन यदि आंकड़ों का जब खेल देखा जा रहा है तो एनडीए को यहां पे बिहार से 3 सीटों का नुकसान दिख रहा है। जी हाँ, 2 सीटें राजद के तरफ जा सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के तरफ। तो ये सबसे बड़ी खबर बिहार के लिए है कि बिहार में 5 सीटों पर 26 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा और एनडीए के खाते से 3 सीटें छिनती दिख रही हैं। यानी कि यदि महागठबंधन एक होकर चुनाव लड़ गया, उनके विधायकों ने यदि महागठबंधन का सपोर्ट कर दिया तो बीजेपी के हाथ से, यानी ये कहिए कि एनडीए के हाथ से 3 सीटें निकल जाएंगी। 3 सीटों में 2 सीटें राजद के तरफ जा सकती हैं और 1 कांग्रेस के तरफ। इस पूरी घटनाक्रम में कौन से विधायक किधर जाएंगे, क्या जाएंगे, हमारी नेशन भारत की नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए नेशन भारत, सब्सक्राइब कीजिए नेशन भारत को, लाइक कीजिए और हमारा चैनल कैसा लगा आपको हमें ज़रूर लिखिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।